हेलो दोस्तों, इंडियन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दानिश खान, आपका दोस्त। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जो कि आप अपने मोबाइल को सेव कर सकते हैं, अपने अकाउंट को सेव कर सकते हैं और अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो कि फ़ोटो, पिक्चर, अकाउंट, पेटीएम, फ़ोनपे, जो भी है इंडिया के अंदर, वो सब सेव कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो जो है आप पूरी देखना, क्योंकि मैं इसमें आपको बताऊंगा कि चाइना आप क्या कर रहा है। आपको पता है चाइना का और इंडिया का फाइट कैसा हो रहा है, तो इसलिए अब चाइना जो है फाइट से, तुम्हें पता है आज ही न्यूज़ आई है, चाइना के 53 आदमी हमारी आर्मी ने जो मारे हैं, तो उसमें जाके खुलासा हुआ है। तो चाइना ने जो है स्टैम इंडिया के जितने भी अंदर फोन है, तो सबको टारगेट बनाया है। आपको पता है चाइना की कितनी सारी ऐपें नई नई लॉन्च हुई हैं अभी, जो कि खास करके विपिन से, जो कि आप विपिन यूज़ करते हो ना, उससे ज़्यादा ये चीज़ है। तो इसे चाइना ने पहुंच लॉन्च करी है, जो कि आपको खतरे की घंटी है। आपके जितने भी बैंक अकाउंट है आपके जो है हैक हो सकते हैं एक ही क्लिक में, सिर्फ एक ही क्लिक में सारा अकाउंट तुम्हारा साफ। अकाउंट एक जाएगा उनके पास, यानी कि एक अकाउंट नंबर अगर जो उनके पास चला गया, तो जितने भी अकाउंट होते हैं सारे हैक कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है। आपके व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, जितने भी आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, तो प्लीज़ आप क्लिक ऐसे लिंक पे क्लिक ना करें जो कि आपको ना पता हो, या आप किसको जानते ना हो कि इसने शेयर किया है। शेयर भी बहुत पब्लिक कर रही है, आपको पता है, आपके दोस्त भी, आपके फ्रेंड भी शेयर कर देते हैं। तो प्लीज़ मेरे से रिक्वेस्ट है ये कि आप ऐसे किसी भी लिंक पे शेयर ना करें, क्लिक ना करें या शेयर ना करें जिसका आपको ना पता हो या आपने यूज़ ना किया हो। तो व्हाट्सएप पे सबसे ज़्यादा ये लिंक आ रहे हैं, जो कि साइबर कैफ है, मैं आपको पता ही है। तो अटैक हो रहा है, ये साइबर कैफ से कर रहा है चाइना स्टैम इंडिया के, तुम्हें पता है इंडिया के साथ चाइना की फाइट है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। आपके पास ईमेल भी आ सकता है, और ईमेल किस तरीके से आएगा मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ के साथ, क्योंकि ईमेल कैसे आते हैं और ईमेल जो ये फेक ईमेल आते हैं जिस पर लिंक करने को कहते हैं, वो कहाँ जाते हैं, यहाँ आते हैं आपके स्पैम में। यहाँ पे जब जाओगे आप, यानी कि आपका ईमेल है यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये स्पैम, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है सारे जितने भी चाइना के करे या स्पैम वाले सारे एसएमएस मेल सब यहाँ पे होंगे। ये देख सकते हो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट फॉर सेल, और ये देखो ये जो है ना रेड कलर में जो आपको मछली पकड़ने का कांटा नजर आ रहा है, ये चाइना के है ऐसे सब, ये सब चाइना के है, ये सब ईमेल चाइना के हैं सब। ये देख सकते हो, नाम से ही देख सकते हो आप यहाँ पे क्या क्या नाम है। तो ये सब चाइना के मेल होते हैं, ये आपके मेल जो है सही वाले मेल में नहीं जाते, ये स्पैम में जाते हैं, क्योंकि स्पैम होते हैं ये ईमेल जो है ना, स्पैम में डाल देता है। यहाँ पे जितने भी ईमेल होंगे सब स्पैम में चले जाएंगे, और जितने भी ईमेल होते हैं आप इनको सबको डिलीट कर दें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छा ईमेल वो स्पैम में चला जाता है और जो ख़राब ईमेल होता है वो आपके पर्सनल ईमेल में चला जाता है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आए और उस पर लिंक करने को कोई कहे, आपसे क्लिक करने को लिंक आए और क्लिक करने को कहे, तो प्लीज़ यार ऐसा मत करना, नहीं आपका मोबाइल हैक हो जाएगा, पूरा का पूरा मोबाइल हैक हो जाएगा, और उसमें आपका पेटीएम भी होता है, आईफोन भी होता है, यानी कि आप क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करते हो, दुनिया भर की चीज़ें आप उसमें यूज़ करते हो। और आपको पता है मोबाइल एक प्राइवेसी है, और प्राइवेसी जो है लीक नहीं होनी चाहिए। हो सकता है आपने उसमें अकाउंट ऐड ना कर रखा हो, या पेपल या पेटीएम या जितने भी है ये वॉलेट आप यूज़ ना करते हो, पर फैमिली तो है ना आपकी, फ़ोटो पिक्चर तो आप यूज़ करते हो ना। तो इसीलिए मेरी लास्ट वाली वीडियो भी आपने देखी होगी, उससे भी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी, मैं बताता हूँ ना आपको विपिन यूज़ करके आप कभी भी मोबाइल ना चलाइए, विपिन यूज़ करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये था आपको बताना, और ये चाइना जो है ना बहुत, तुम्हें पता है, ख़तरनाक हो रहा है इस टाइम, और इससे हमें फाइट करनी पड़ेगी अच्छी तरीके से। तो आप कमेंट में हमें बताइए कि आप ये यूज़ करते हो चाइना की ऐप या नहीं करते, और जितने भी चाइना की ऐप आप यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ यार उसे डिलीट कर दे रहा, क्योंकि चाइना जो है बहुत चालाक है, बहुत चालाक। आप तो तुम्हें पता है नेपाल को जो है उसने मोहरा बना लिया, नेपाल के कंधे पर बंधक रख के चला रहा है इंडिया के लिए। तो बस यही था इस वीडियो में, जो कि आप सेफ रहोगे तो अच्छा रहेगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।